नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। सिरसा की लोकसभा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल 19 अप्रैल को करेगी नामांकन। नामांकन से पहले 19 अप्रैल को फतेहाबाद में होगी बड़ी रैली। रैली में पहुंचेगा केंद्रीय नेतृत्व। प्रचार के दौरान सुनीता दुग्गल ने कहा कि जनता सा मिल रहा है भारी समर्थन, अन्य दलों ने अब नहीं उतारे अपने प्रत्याशी। वही इनेलो जेजेपी पर भी उन्होंने बोला, कहा कि ये इनकी घर घर की कहानी, इस बार लोकसभा में खिलेगा कमल। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अब जबरदस्त असमंजस में है। यही वजह है कि कांग्रेस आज तक आधिकारिक रूप से अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही। यह दावा सिरसा लोकसभा भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने आज फतेहाबाद क्षेत्र में गांव का दौरा करने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जिसे टिकट देना चाहता है वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं उन्होंने इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनेलो का कुनबा बिखर चुका है, इसलिए उन्हें गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि 19 अप्रैल को वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी, जिससे पूर्व फतेहाबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता शामिल होंगे। वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार सिरसा में और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि हमें सिर्फ ये काम करना है कि पिछले 5 सालों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो केंद्र में काम किए हैं और जो हरियाणा सरकार में काम किए हैं, उन उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने 5 साल के अंदर अंदर ये देख लिया है कि हमारी सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं, तो वो भी अब चाहते हैं कि उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका आया है ये कि वो, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जिस तरह से हम, चाहे हम 5 जिलों के मेयर के चुनाव की बात करें या हम जींद के उपचुनाव की बात करें, तो वहाँ पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया था। तो अब लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि किस तरह से जो काम जो है वो केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो काम किए हैं, उन पर मोहर लगाने का काम जनता ने करना है। और जनता मन बना चुके, एक तरफा माहौल बड़ा जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई जो है आसपास, अभी आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि उन्होंने अभी तक अपने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किए किसी दूसरी पार्टी ने, और जबकि हमारी जो है वो घोषणा हुए भी आज मुझे लगता है कि शायद 10 दिन से भी ज्यादा समय हो गया। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता जो है वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से केंद्र में भी और हरियाणा में भी। किस पार्टी से आप अपना मानते हैं जो आपके फाइट में? नहीं, किसी भी पार्टी से नजर नहीं आता है ऐसा जसपाल जी, क्योंकि अभी तक किसी का जब कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, किसी का कैंडिडेट ही अभी तक घोषित नहीं हुआ, तो हम क्या माने भी किसे कंपटीशन है। तो किसी तरह का कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल चारों तरफ कमल का फूल ही नजर आ रहा है। तो कब नॉमिनेशन आप कब कर रहे हैं? 19 तारीख को नॉमिनेशन है, पहले जनसभा रहेगी फतेहाबाद में सब्जी मंडी में, और उसके बाद फिर वहां से जो है वो हम लोग सिरसा के लिए रवाना होंगे और वहां पर जाकर नॉमिनेशन। तो कोई केंद्रीय नेतृत्व यहां पर कोई बड़ी रैली मोदी जैसे या कोई बड़ा नेता यहाँ पर रैली करने का? देखिए, वो संगठन जो है वो निर्धारित करता है, लेकिन ये निश्चित है कि किसी न किसी केंद्रीय मंत्री की जो है वो नज़दीक में, बहुत हमारे जो सीनियर वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं उनकी किसी न किसी की यहाँ रैली जरूर होगी सिरसा लोकसभा में, ये मेरा मानना है। सिरसा लोकसभा के अंदर इनेलो अपना पूर्ण रूप से बता रही है कि हमारा गढ़ है, तो आप क्या लगता है कि आप वहाँ पर सेंध लगा पाएंगे सिरसा? देखिए, सिरसा लोकसभा किसी का कोई गढ़ नहीं है, गढ़ जो है वो जनता तय करती है कि कोई इलाका जो है वो किसका गढ़ है, ये जनता तय करती है। कभी ये इस बात की जो है वो मुझे लगता है कि अब INLD को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद का कुनबा जो है आज बिखर चुका है, और जनता इस बात को समझती है कि कौन सा दल जो है वो परिवारवाद की राजनीति करता है और अपने कुर्सी की राजनीति करता है, और कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो जनता के लिए लड़ती है, जनता के लिए काम करती है। कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लगता है कि धक्के से उनको टिकट दी गई है? वो कुछ उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे?
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह रही है कि हम यहाँ से इस कैंडिडेट को घोषित करते हैं, जबकि लिस्ट में मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो कोई जिसको बोलते हैं कि आधिकारिक तौर पर शायद किसी की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, और जिस भी कैंडिडेट को वो घोषित करते हैं वो अंदर जाके उनको कहता है कि जी मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक ज़बरदस्त असमंजस जो है उनकी पार्टी में नज़र आ रहा है।